राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के चुनावों में डॉक्टर सीपी जोशी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी और ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन यहां लोगों ने क्रिकेट हित को ध्यान में रखते हुए रुचिर मोदी के साथ ना देकर डॉक्टर सीपी जोशी का साथ दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर हुए चुनाव में रुचिर मोदी को 14 वोट ही मिले तो वहीं सीपी जोशी को 19 वोट मिले। इस तरह से सीपी जोशी आरसीए में अध्यक्ष बन गए हैं। चुनावों में मोहम्मद इकबाल उपाध्यक्ष, आरएस नांदू महासचिव और पिंकेश जैन कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। जोशी ने कहा कि क्रिकेट के लिए काम करेंगे। अब आरसीए को बीसीसीआई की फिर से मान्यता मिल पाएगी और जयपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच हो पाएंगे। एक तरह से जोशी का चुनाव जीतना राजस्थान के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। जोशी के अध्यक्ष बनते ही आरसीए में खुशी का माहौल हो गया। लोगों ने जोशी को अध्यक्ष बनने पर फोन पर बधाइयां दी। उन्हें बीजेपी के अशोक परनामी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने फोन पर बधाई दी। लोगों को उम्मीद है कि अब क्रिकेट के हालात सुधरेंगे। जोशी ने फोन पर सभी साथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो क्रिकेट के लिए, विकास के लिए कई काम करने वाले हैं। आरसीए का जो एक्ट है वो कोऑपरेटिव के तहत रजिस्ट्रेशन है, इसमें किसी गुटबाजी का मामला नहीं है। सब एक के लिए, एक सबके लिए काम करने का सिद्धांत इसमें है और 33 ही संघों को हम साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। निलंबन बहाल हो जाएगा हमारे को, आप समय दो, जल्दी बहाल कर देंगे। 30 दिन में उसके रिजल्ट आएंगे कि भाई जल्दी बहाल होगा, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल आएगा उसको दूर कर दिया जाएगा। सीपी जोशी साहब को 19 मत मिले हैं और रुचिर मोदी को 14 मत मिले हैं। जहाँ तक बैकडोर एंट्री के सवाल है तो आपको याद होगा आपके सारे चैनल्स ने, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के चैनल्स ने, थाईलैंड से एक इंटरव्यू आया था ललित मोदी साहब का, जिन्होंने कहा था आई एम हैंगिंग माई बूट्स इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद रुचिर मोदी खुद एक परिपक्व एक नौजवान हैं और अडल्ट हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम इसका चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कोई बैकडोर एंट्री का किसी का कोई सवाल नहीं था, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये उनका अपना फैसला। सबसे जरूरी बात है कि ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जो डीरेकग्नाइज हुआ वो हम उम्मीद करते हैं कि उसके रिवाइवल का रास्ता खुलेगा। जब ऑब्जेक्शंस रेज हुए तो हमें लगा कि हमारे 20 साल के जुडिशियल करियर में शायद ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो वो सारे एविडेंस को स्क्रूटिनाइज करना था। तो पर चलो, सबके सहयोग से और ईश्वर ने जो हमें विवेक दिया उसके हिसाब से।